for tomorrow's test. So good morning, everyone. Revision for your UT2. We have trigonometry and complex numbers coming in the exam. So I will begin with your doubts. If you already are working, you are studying, you must have encountered many doubts. So if you wish to ask, feel free, ask your doubts. Any question you want me to solve or anything to be get discussed? Yes, sir. So 24th question of the assignment. क्वेश्चन बोलो वैसे एकदम से आपने चैप्टर भी नहीं बताया सर ट्रिगो 24 ट्रिग्नोमेट्री probably a very simple question. Okay, chaliye. So check this out. You have to prove this result. If sine of x plus y upon sine x minus y is a plus b upon a minus b, you have to prove this result. But to prove this result, you must be aware of what is referred to as CND. Componendo and dividendo. In short, we write CND. If A by B is equal to C by D, this says numerator plus denominator upon numerator minus denominator. Ye kar do both the sides. So C plus D upon C minus D. So this is the basic rule. You can easily verify this by say assuming say A ko le liya 2, B ko le liya 3. So hume pata hai 2 by 3 kiske equal hota hai. Any other equivalent fraction say 6 by 9 ho jayega. Or now can I say this is equivalent to 2 plus 3 upon 2 minus 3. A plus B upon A minus B kar diya. और RHS में भी A plus B upon A minus B. So check it out. ये expression और ये expression same आ रहा है. So this is the rule referred to as CND. So using CND, LHS में ये मेरा numerator है plus denominator add कर दिया. अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर और आरएचएस में क्या हो जाएगा अगेन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर ये फॉर्मूला क्या हो गया साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी और प्लस में साइन ए माइनस बी क्या हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय बस यही सेम चीज है जस्ट दैट बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगा When I open the, चलो एक मिनट ये लिख दिया और ऊपर अगर आप ध्यान से देखें इधर B से B कैंसल और A से A कैंसल हो रहा है और ये आ रहा है 2A अपॉन बहुत ध्यान से देखिए 2B के इक्वल आ रहा है When I open the bracket माइनस माइनस प्लस B हो जाएगा तो ये RHS तो आ गया A by B अब LHS में जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा ये और ये कैंसिल हो रहे हैं तो 2 sin x cos y आ गया अपॉन नीचे अगर अब आप ध्यान से देखो 2
कॉस एक्स साइन वाई आ गया व्हेन यू ओपन दी ब्रैकेट, तो ये और ये टर्म कैंसल एंड दिस इज ए बाई बी, टू से टू कैंसल, साइन एक्स बाय कॉस एक्स टेन एक्स हो गया, और फिर नीचे साइन एक्स अपॉन कॉस वो टेन वाई दे देगा इक्वल टू ए बाय बी, ये ही आपको शो करना था। डायरेक्ट फॉर्मूले लगाकर डिवाइडिंग बाय आई थिंक कॉस एक्स कॉस वाई से देर आर सम डिफरेंट अप्रोचेस, डेफिनेटली दे मस्ट बी पॉसिबल, बट दिस इज अ जनरल अप्रोच एंड वन शुड नो हाउ टू अप्लाई सी एंड डी। अनफॉर्चुनेटली ये 9th-10th के सिलेबस में ऐसा मेंशन नहीं किया गया है स्पेसिफिकली विद दिस नेम, बट देर आर लॉट मेनी क्वेश्चंस जो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो 100% आते ही हैं, और अदरवाइज स्कूल लेवल पे भी जैसे क्वेश्चन ये मिल गया सी एंड डी, इवन इफ यू रेफर टू आर डी और अदर रेफरेंस बुक्स आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे वेयर इन सी एंड डी शुड बी अप्लाइड। अर्लियर दिस यूज टू बी 9th एनसीईआरटी, ये 9th का टॉपिक है ये। एनी डाउट? नो सर। यस, और कोई क्वेश्चन? सो वी स्टार्टेड विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्विक चेक, आप चेक करते रहिए ऑन योर स्क्रीन, ये एंगल पॉजिटिव नेगेटिव एंगल्स, इनकी अब मैं बात ही नहीं करूंगा, ये आपको पता ही है डायग्राम, ये सारी सब चीजें राइट। देन पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज और 1 रेडियन अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री 16 मिनट्स होता है। वी कंसीडर दिस यूजिंग द डायग्राम, समझना 1 रेडियन को थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, प्लीज चेक आउट इन दिस डायग्राम, इट विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट रिमेंबर थीटा मस्ट बी इन रेडियन ओनली, फॉलोड बाय दिस सच कन्वर्जन टेबल, और बेसिक रूल ये था पाई को ले लिया 180 डिग्रीज, पाई रेडियन है ये एक्चुअली, फॉलोड बाय दी स्टैंडर्ड एंगल्स, सो दिस व्हाट वी डिस्कस इन दी फर्स्ट क्लास। तो अब उसके बाद मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में आप चेक करिए बेसिक चीजें ये रही थी, एंड देन फॉलोड बाय दी कन्वर्जेंस, म्यूचुअल कन्वर्जन, ये बेसिक 1 मार्कर के हिसाब से चीजें आपको आनी चाहिए। सो 3.1 वेरी बेसिक एक्सरसाइज एज सच, प्लीज चेक आउट दिस क्वेश्चन। तो 1 और 2 मार्कर, पर जनरली ये एमसीक्यू में 1 मार्कर में आएगा यूजिंग द कॉमन सेंस, तो इतना एक्सप्लेनेशन लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, सो यू कैन इजीली आंसर दिस। थीटा इक्वल टू एल बाय आर, सिंपल एप्लीकेशंस वर कंसीडर्ड, क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसी असाइनमेंट वर गिवन। So check this out, everyone. Angles of a triangle in AP. तो AP में आते ही एक तो हमने ले लिए थे angles A minus D, A and A plus D. Sum दिया था, obviously sum of angles of a triangle वो 180 degrees हो गया.
ए आ गया 60 डिग्रीज, ये एंगल्स हो गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आपको कंडीशन गिवन थी, नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, लीस्ट ये रेड कलर से मैंने हाईलाइट करा इधर, एंड किसके साथ रेशियो, नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, तो ये ग्रेटेस्ट होगा और इसके अंदर नंबर ऑफ रेडियंस, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, मल्टीप्लाई कर दिया पाई बाय 180 से। क्यों और कैसे, हेयर इट इज एक्सप्लेन। बस इसके बाद तो यू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई, यू विल गेट योर आंसर। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, ईच इक्वल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। द सिंपल एप्लीकेशन प्रोवाइडेड द फॉर्मूला इज लर्न टू मी। देन वी डिड टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यूनिट सर्कल से यूज किया था, और फिर ये फॉर्मूलाज बेसिक जो आपको याद होने चाहिए, साइन एन पाई इज 0, कॉस एन पाई -1 की पावर एन, टैन एन पाई इज 0, और कॉस कब 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो कॉस ऑफ 2n+1 इंटू पाई बाय 2 दैट इज 0। सो दीज वैल्यूज और रूल्स अगर याद कर लिए तो ग्राफिंग के अंदर फिर हमें इजी हो जाती है। देन वी डिड टॉक अबाउट द डोमेन एंड रेंज, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉसेक एक्स होता है 1/sin x। सो क्लियरली ये कब डिफाइन होगा, जब नीचे 0 नहीं होगा, एक्स कैन नॉट बी एन पाए। इन अदर वर्ड डोमेन क्या हो गई, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाए, आर माइनस दी कलेक्शन ऑफ ऑल दोज विच आर दी मल्टीपल ऑफ एन पाए। सेम वे यू कैन टॉक अबाउट अदर टी फंक्शंस। स्टॉप मी वेयर एवर यू हैव द डाउट। बेसिक फॉर्मूलास देख लीजिए, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसिकेन स्क्वायर थीटा, एंड एट द सेम टाइम ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, टैन माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा। सो फ्यू एग्जाम्पल्स ऑन योर स्क्रीन राइट हैंड साइड। देन वी लर्न दिस बेसिक रूल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट से साइन का होता है एंड इसके रेसिप्रोकल का, तो वो पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। सेम वे थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। फ्यू स्टैंडर्ड एंगल्स एंड द वैल्यू शुड बी लर्न टू यू। So this is what we already discussed. फिर डोमेन एंड रेंज चेक करिए, लास्ट स्लाइड में लास्ट उसमें आ चुका है, when I considered say tan x, ये cos x cannot be zero, तभी ये डिफाइन होगा, x cannot be the odd multiple of pi by 2, odd multiple of pi by 2, तो डोमेन क्या हो गया, एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट पाई बाय ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। लर्न द डोमेन एंड रेंज, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन,
can be framed on MCQ based or direct objective one marker. Write the range of cortex. See the answer hai R. Write the domain of secant X. तब ये इस तरह से आपको पता होना चाहिए. और ये सब चीजें हमने ग्राफ के थ्रू बाद में विजुलाइज किया था कि ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता या क्या रीजन है कि ये इसका डोमेन और ये इसका रेंज है. सो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं साइन कॉस टैन एंड सो ऑन. साइन 2n पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा. cos 2n pi plus theta is cos theta. तो sin and cos तो हमेशा 2 pi के मल्टीपल पे रिपीट हो जाते हैं, बट tan जो है वो n pi plus theta का मल्टीपल है. सो n pi के इंटरवल पे इट विल ऑलवेज बी रिपीटिंग लाइक दिस. इट इज शॉन राइट हैंड साइड पे देख लीजिए. तो ये ग्राफ के थ्रू मैंने वैसे बेसिकली इससे एक्सप्लेन किया था. सो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन फिर अब आ गए बुक के. सिंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैन बी नेगेटिव आल्सो, तो ये एक्स दिया है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो अब हम ये ट्राइंगल अप्रोच फॉलो नहीं करेंगे. ये याद रखिए, क्योंकि यहाँ ये एंगल ये वैल्यू नेगेटिव में है, तब आपको फार्मूला अप्रोच को फॉलो करना है. प्लीज लुक एट द सॉल्यूशन क्विकली. Similar questions for your homework were given, and then most important thing was started on day 23 jab humne baat kari thi about values of trigonometric functions ko nikalna. Ye rule dekha tha, please recall this. जो भी एंगल है उसे आप 90 इंटू एन प्लस माइनस अल्फा की मल्टीपल में लिख लीजिए, वेयर अल्फा इज सम नॉन एक्यूट एंगल 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्रीज, उनमें से ही आपको गिवन होगा. आप सिचुएशन को अकॉर्डिंगली पाई की टर्म्स में भी समझ सकते हैं. मेक यूज ऑफ दीज फार्मूलाज एट द सेम टाइम. और फिर क्या देखा था, अगर n इवन है, साइन का साइन कॉस का टैन का टैन एंड सो ऑन रहेगा विद प्लस माइनस, बट अगर n ऑड था साइन विल चेंज इनटू कॉस कॉस इनटू साइन एंड सो ऑन विद अदर टी फंक्शंस विद प्लस माइनस. अब ये प्लस लेना है ये माइनस वो यहां से डिसाइड होता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाए माइनस थीटा, थर्ड के अंदर पाए प्लस थीटा, फोर्थ में टू पाए माइनस थीटा. तो अकॉर्डिंगली उस क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो सॉरी साइन क्या होगा इसे देखा जाता है. तो अगर मान लो हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ कॉस थीटा बन जाएगा. तो ये बेसिक चीजें हैं, ये अगर क्लियर हैं तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ये याद रखिए. सो क्विक चेक सॉल्व एग्जांपल. I hope the idea is clear. Check this out. तो एक इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे निकालते हैं, रोटेशन
किस तरह से देखी जाती हैं. सो प्लीज रिकॉल ऑल दीज थिंग्स. ऑल द पीडीएफ्स आर ऑलरेडी शेयर्ड. और इनफैक्ट वंस अगेन व्हाट आई विल डू, मैं आपके साथ वो लिंक एक बार फिर से शेयर कर दूंगा. वैसे ये ऑलरेडी वैसे अवेलेबल है आपके पास. इफ यू रिकॉल, तो दिस इज द लिंक जो आपका व्हाट्सएप के अंदर स्टेट है, वहां डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है. सो ऑल दी क्लासेस जो हुई हैं उनके सारे पीडीएफ वगैरह इन वन गो यहाँ पर अवेलेबल हैं. सो ये ड्राइव के ऊपर एवरीथिंग इज अवेलेबल, ऑल दीज थिंग्स. आई डोंट नो हाउ मेनी इफ यू आर मेकिंग यूज ऑफ इट, बट सिस्टमैटिक वे में एवरीथिंग इज अवेलेबल. यू जस्ट नीड टू क्लिक, यू कैन डाउनलोड एंड गो थ्रू द सेम. एंड एट द सेम टाइम ऑल क्लासरूम वीडियोज, जितने भी यूट्यूब पे ऊपर वीडियोज अवेलेबल हैं, ऑल द चैप्टर्स विच आई हैव टॉट. सो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं और अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया से दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इसमें अब आपको अगर कोई डाउट आया, आपको अगर चेक करना है, सो दिस वॉज डे 23. सो यू जस्ट नीड टू गो टू डे 23 एंड ओपन दैट ऑन यूट्यूब. सो आई एम नॉट सेइंग वॉच द होल वीडियो, लुक एट ओनली दैट पर्टिकुलर पोर्शन. सिर्फ 5 मिनट्स का, 3 मिनट्स का पोर्शन देख लीजिए. दिस इज द वीडियो जो हमने सेम जो पीडीएफ दिखाया है. आई मस्ट हैव डिस्कस्ड दैट एवरीथिंग. इन द सेकंड क्वाड्रेंट इट इज पाई माइनस थीटा आएगा, वो आई विल एक्सप्लेन. 1860 डिग्रीज. तो जिस स्पेसिफिक प्लस माइनस पॉइंट पे डाउट है कंसेप्ट के समझने में, वो वाला पोर्शन, वीडियो वाला पोर्शन आपने देख लिया. सो दिस इज ऑल अवेलेबल ऑलरेडी सिंस डे वन. ओके, एनीवे 24th अब मैं जरा जल्दी थोड़ा देखता हूं. देन इट वाज अ सिंपल डाउट क्लास बेस्ड ऑन रिलेशन फंक्शंस. यूटी का टाइम रहा होगा. सो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगेन. I repeated lot many things. Then I did talk about the graphs of t functions. So sin x का graph draw करने के लिए table याद नहीं करनी. Just finally look at the graph. ये shape को बस आप याद कर लीजिए. The shape of the graph कहाँ से? 0 से 2 pi के बीच में गए हैं. 0 से 2 pi के बीच में. और 0 से π/2 तक ये इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर और डिक्रीज हुआ अप टू -1 एंड देन स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड सो ऑन. सो सेम बिहेवियर लेफ्ट एंड राइट में रहने वाला है बिकॉज इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2π. देन वी डिड सिमिलरली कंसीडर द ग्राफ ऑफ cos x. And tan x. So again telling you basic 2-3 angles के ऊपर value बस देख लीजिए and then one can easily graph these. So, ये सब चीजें ऑलरेडी हमारे पिछले टॉपिक में हो चुकी हैं. कॉस पाई माइनस एक्स कैसे माइनस ऑफ कॉस एक्स है, इट इज एक्सप्लेन्ड ऑन द आर राइट हैंड साइड ओवर हियर. इवन एंड ऑड का कॉन्सेप्ट, प्लस माइनस, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस एक्स मुझे सेकेंड क्वाड्रेंट में ले आया और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस इज नेगेटिव. सिमिलरली वन कैन टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. देन वी स्टार्टेड विद दीज बेसिक फॉर्मूलाज. ये तो ऑब्वियस है, बेसिक फंडामेंटल चीजें अब बन चुकी हैं.
याद होने चाहिए ये फॉर्मूलाज, देन दीज आर इंपॉर्टेंट वन. टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी, टू साइन ए साइन बी. सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस फॉर्मूला में होती है. नोट दी क्या डिफरेंस आया है. देन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी एंड सो ऑन. क्विक रिवाइज ये कर लिया. अगेन आई ऑलवेज स्टार्टेड माई क्लासेस विद रिपीटिंग दीज फॉर्मूलाज, और फिर ये नए फॉर्मूलाज इंट्रोड्यूस हुए थे. साइन टू ए, टू साइन ए कॉस ए, या टू टैन ए अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर ए. ऐसे ही कॉस टू ए के तो इतने सारे ये चार फॉर्मूलाज हैं. क्विक चेक एंड देन टैन टू ए, टू टैन ए अपॉन वन माइनस टैन स्क्वायर ए. आई जस्टिफाइड फ्यू ऑफ द फॉर्मूलाज, उनके प्रूफ बता दिए थे. जनरली दे आर नॉट आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. बेसिक आइडिया सिर्फ आपको ये याद होना चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट. और कॉस टू ए के फॉर्मूला से ये डिडक्शन अलग से याद होनी चाहिए. देन द फॉर्मूलाज फॉर ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज, चेक दिस आउट. लर्न दी फॉर्मूलाज. And then this is little bit of higher level. Basic application सिर्फ हमने लिया था इसका. Only basic application, not typical questions are to be taken. Very basic, but understanding of this should be there. Simple questions were started. We discussed about all these questions from NCERT book only. ये चेक कर लीजिए, सारे आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस थे. फिर यहां डायरेक्ट यूसेज ऑफ द फॉर्मूला कॉस ए प्लस कॉस बी, साइन ए माइनस साइन बी एंड सो ऑन. इफ आई एम शोइंग लाइक दिस कि मैं पूरा प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं, आई डोंट नीड टू गिव द एक्सप्लेनेशन एज दीज फार्मूलाज. इसलिए आई विल ऑलवेज रिकमेंड डायरेक्ट करने की जगह आप ऐसे लिख कर दिखाइए एंड देन यूज इट. सो सिंपल क्वेश्चन हैं. कब टर्म्स को कंबाइन करना है लॉजिकली वो डिपेंड करेगा. लाइकवाइज इन दिस क्वेश्चन सिमेट्री से देखकर फर्स्ट एंड थर्ड को पहले कंबाइन किया and then followed by simple rules. थ्री पॉइंट थ्री एक्सरसाइज स्टार्टिंग के तो ये वैल्यूज बेस्ड क्वेश्चन थे. ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, tan a प्लस बी एंड tan a माइनस बी के फॉर्मूला लगा दिए एंड सिंप्लीफाई. ये वैल्यूज हम निकालनी सीख चुके थे क्वाड्रेंट रूल से. यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चंस. सो लॉट ऑफ थिंग्स वर स्पेसिफिकली डिस्कस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री, और यही आपके लिए फोबिया रहता है. और अगर इसको ढंग से नहीं करा, यू विल बी फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन 12th क्लास. ये चलिए होमवर्क का रहा. डे 28 हुआ. अगेन आई ऑलवेज स्टार्टेड विथ के फॉर्मूलाज चलो रिवाइज हो जाएं. सिंपल एप्लीकेशंस इनमें तो कुछ ऐसा नहीं है, डायरेक्ट एप्लीकेशन रही है. अगेन सिमेट्री से कब आपको टर्म्स को कंबाइन करना है एक साथ, साइन फोर एक्स और सॉरी कॉस फोर एक्स
एंड कॉस टू एक्स को, इनका सम इवन है इसीलिए इनको एक साथ ले लिया, क्योंकि फॉर्मूला में ए प्लस बी बाई टू आता है, हेंस इवन सम वाली टर्म्स को एक साथ कंबाइन एंड चेक आउट द सॉल्यूशन। Did I ask you to mark your attendance? If not, please do it. Yeah, I missed that. Everyone, mark your attendance. स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं बुक के, एनसीईआरटी के, आप इसे कंप्लीट कर लेना। टैन फोर एक्स को ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहे हैं। रिपीटेड एप्लीकेशंस ऑफ द फॉर्मूलाज, सो इस क्वेश्चन को करवाने के लिए मैंने कुछ फॉर्मूलाज अलग से यहां पहले जस्टिफाई किए थे, हाफ एंगल फॉर्मूलाज, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज हाफ एंगल फॉर्मूलाज एज सच ऑल्सो। तो ये आपका मिसलेनियस के क्वेश्चन तो होमवर्क में दे दिए थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। Even I discuss those questions from miscellaneous, चाहे वो direct और simple थे, चाहे cos x plus cos y का formula लगाना हो या sin x minus sin y, I solved these questions as well. Half angle ये sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2, ये तीन फॉर्मूलाज, और अगर x मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x बाय टू सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। सेम वे इफ x इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, x बाय टू विल बी स्टिल इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो दिस इज अ थ्योरी पार्ट जो मैंने अलग से एक्सप्लेन किया था यहां पर, प्लीज चेक दिस आउट। बेस्ड ऑन दिस ये क्वेश्चन बुक का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए। पहला स्टेप, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला ये लगा दिया, वन प्लस कॉस टू एक्स बाय टू। तो ये भी सेम चीज है, बस एक्स की जगह एक्स प्लस पाई बाय थ्री रख दिया, तो टू से मल्टीप्लाई हो रहा है एंगल, एंड सेम वे हेयर। बस उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन थी, चेक आउट इन योर होमवर्क। टेन क्वेश्चंस फ्रॉम द असाइनमेंट, ये तो चलो स्टैंडर्ड और सिंपल क्वेश्चन है, चेक दिस आउट। जब भी एक्सप्रेशन क्वेश्चन में कहीं दिखाई दिया ऐसा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, प्रेफर करेंगे डिवाइडिंग बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे मुझे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी होती, देन ऑल्सो देयर इज अ रीजन, वो आगे भी क्लियर है, नहीं तो यहां पर भी हो जाएगा।
सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है ईदर इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस. लाइकवाइज दिस क्वेश्चन, ये फिर आपके सिंपल प्रूविंग के हैं, कब टर्म्स को कंबाइन और फार्मूलाज को यूज करना है, चेक दैट आउट इन योर होमवर्क. क्विक चेक, वन को लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, और साइन एक्स का हाफ एंगल टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू. सेम वे नीचे ऊपर बन गया फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर देन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसल, और इस तरह के एक्सप्रेशन को देखकर डिवाइड करा कॉस एक्स से, चेंज इनटू द टैन का फॉर्मूला एंड प्रूव. सो दैट यू कैन ट्राई एट योर ओन एंड दीज क्वेश्चंस. बहुत सिमिलर ऐसा हम ऑलरेडी कर चुके हैं अभी. मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का ये फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, देख लीजिए, एंड द सिंपल एप्लीकेशन ऑल्सो. सिंपल क्वेश्चंस लॉजिकल हैं, बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सो इस तरह से और ट्रिग्नोमेट्री की दो शीट्स मैं मिस कर रहा हूं, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, अब टाइम इतना नहीं है. सो वी डिन टॉक्ड अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा की बात हमने करी हुई है. सो आयोटा की पावर सबसे पहले कैसे निकालते हैं, यूजिंग आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन. सो दैट वाज द बेसिक आइडिया, कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में हो गया, और फिर कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख दिया, एंड मॉडुलस के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ए प्लस आयोटा बी है तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो हो जाता है उसका मॉडुलस. एंड देन वी डिड टॉक अबाउट इक्वालिटी, चलो ये तो बेसिक चीजें हैं, सम डिफरेंस प्रोडक्ट ये सब निकालना हमने सीख लिया था इन अ यूजुअल वे. मल्टीप्लाई में एक चीज क्या ध्यान रखनी होती है, आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन. इसी तरह से हमने डिवीजन की बात कर ली थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, रैशनलाइज विद इट्स कॉन्जुगेट. सो वो एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है. एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में ये तो चलो बुक के सिंपल क्वेश्चन, एज यूजुअल ए प्लस बी का होल क्यूब वाले फॉर्मूलाज, वन कैन इजीली अप्लाई दीज फॉर्मूलाज. चेक आउट दिस क्वेश्चन, रियल प्योरली इमेजिनरी, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना, एंड दिस इज अ फॉर्मूला शीट, स्पेसिफिकली इसमें फोकस किया था, ये आपको आने चाहिए. तो ये डे 37 में हुआ था. देन चेक आउट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, गिवन को वन स्क्वायरिंग करने के बाद कह दिया, कॉन्जुगेट लिया बोथ द साइड्स,
अप्लाई सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन वन एंड टू, यू विल गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट. और ऑल्टरनेटिवली मॉडुलस लेकर भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. सो ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इसी तरह के थे, डू रिवाइज देम. सो दिस इज ऑल फॉर द डे. इवन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. बाकी तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की भी अगर हम बात करते हैं, सो दैट यू कैन इजीली डू. उसमें भी कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है. स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं, एनी डाउट टू एनी वन स्टिल यू कैन आस्क, और मार्क योर अटेंडेंस एंड देन यू कैन लीव द क्लास. And all the best. Thank you. Yeah.